और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में पहली बार गोबर खरीदी की राशि का अंतरण करने जा रहे हैं। रायपुर में अपने निवास पर पहले वे शहीद महेंद्र कर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देंगे। शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की जा रही है। योजना से प्रदेश के 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को लाभ मिलेगा। सीएम बघेल 46,964 हितग्राहियों के खाते में 1.65 करोड़ रुपए की भुगतान प्रक्रिया शुरू करेंगे। आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत जो दूसरे संग्राहक परिवार हैं, उसकी मुखिया आयु 51 से 59 वर्ष के बीच हो, सामान्य मृत्यु होने पर उसके नामांकित व्यक्ति को, मतलब जो पात्र हैं 50 साल तक, उससे ऊपर कई लोग काम नहीं भी करते, तो उसके लिए भी इसको शामिल किया गया है। नामांकित व्यक्ति को, उत्तराधिकारी को 30,000 और दुर्घटना मृत्यु होने पर 75,000 और विकलांगता की स्थिति में 75,000 तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37,500 रुपये का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और इससे जो 12.5 लाख तेंदुपत्ता के जो हमारे संग्राहक हैं वो पूरे के पूरे इसमें इस योजना में कवर होंगे। जो बीमा योजना LIC के माध्यम से, भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से जो संचालित की जा रही थी, उसमें बहुत विलंब होता था, 1 से 1.5 साल तक का उसको आवेदन करने के बाद फिर वो DFO से फिर मुख्यालय, मुख्यालय से फिर बीमा कंपनी, ये सब को दूर करते हुए अब विभाग ने चूंकि स्वयं इसको प्रारंभ किया है, वन मंडल अधिकारी स्तर में कमेटी रहेगी, वो कमेटी उसको परीक्षण करेगी और उसको मुख्यालय भेजेगी, 1 महीने के भीतर ये भुगतान किया जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो बीमा योजना राज्य सरकार संचालित करने जा रही है, अब मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी करूंगा कि उसका वो नामकरण की घोषणा करें। अब इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों जो गोधन न्याय योजना के हितग्राही हैं उनके खातों में राशि का अंतरण किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में। गोधन न्याय योजना के आज पहली बार हितग्राहियों के खाते में सहकारी बैंक के माध्यम से राशि के अंतरण की प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकमलों से किया जाना है। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगणों का अवगत कराना चाहती हूँ कि 20 जुलाई को जो योजना हम लोगों ने प्रारंभ की थी, 1 अगस्त तक का भुगतान आज किया जाना है। आप सभी अवगत होंगे कि 20 तारीख को 2,785 केवल गोधान क्रियाशील थे और आज की स्थिति में 4,023 गोधान क्रियाशील हो गए, अर्थात गोबर खरीदी की प्रक्रिया 4,023 गोदामों में प्रारंभ हो चुका है। मैं अवगत कराना चाहूंगी कि इस दौरान, इस पीरियड में 65,694 हितग्राहियों ने अपना पंजीकरण गोदामों में किया है और आज जो भुगतान होगा 46,964 विक्रेता आज लाभान्वित हो रहे हैं आपके करकमलों से और इसमें भुगतान हो रहा है 1,65,42,170 रुपए। 1 अगस्त तक की जो गोबर की मात्रा जो खरीदी गई है वो है 82,710 क्विंटल। राज्य में सर्वाधिक गोबर क्रय रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, बालोद जिलों ने किया है। जो नगरीय निकाय जिसमें सबसे ज्यादा गोबर क्रय हुआ है वो है रायपुर, दुर्ग और रायपुर के ही तिल्दा और गोबरा नवापारा और दुर्ग के दुर्ग नगर निगम। सर्वाधिक पशुपालकों का पंजीयन राजनांदगांव, बिलासपुर और रायपुर में हुआ है। सर्वाधिक क्रियाशील गोदान राजनांदगांव, कोंडागांव और जांजगीर चांपा में है। जैसे माननीय कृषि मंत्री जी ने अवगत कराया, उल्लेखनीय बात यह है कि 38% हितग्राही महिलाएं हैं और अगर संगठनवार हम लोग इन आंकड़ों को देखेंगे सर, 38% अन्य पिछड़ा वर्ग, 48% अन्य पिछड़ा वर्ग, 38% अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के 8%
लोग लाभान्वित हो चुके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं सर। और आज 1,65,000 रुपए सहकारी बैंक के माध्यम से, जैसे आपने आदेशित किया था, पूरी प्रक्रिया को पालन करते हुए इस राशि को हम आपकी अनुमति से हस्तांतरित करना चाहेंगे। और आपकी अनुमति हो सर, एक छोटा सा वीडियो है जो प्रतीकात्मक रूप से फिर हस्तांतरण होगा। आपको वही से कहा जुड़ा हुआ है पहले नहीं पहले इनको कर दीजिए पहले शुरू वहीं से शुरू कर भूटान से सीधे बात हो जाएगी। नहीं, 1 अगस्त तक जी। अब 20 तारीख 15-15 दिन सर, कुछ दिनों से कनेक्टेड है आपकी अनुमति होगी। पहले जसपुर जिले से जोड़िएगा। जसपुर जिला के बगीचा के अंतर्गत बिमड़ा ग्राम, वहाँ सीधे गौठान से किसान जुड़ेंगे। आवाज आ रही है? बिमड़ा आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करेंगे। आपके यहाँ गोठान में गोबर की खरीदी हुई ना? माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, जोहार, कैसे हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? इसका जी आप भी गोबर बेचते हैं? कितना बेचे गोबर? 300। अच्छा, अब पूरे गांव में कितने लोग बेचे? 50 क्विंटल। अच्छा, कितना पैसा हुआ? अच्छा, आपका 754 रुपया मिल गया पैसा? अभी ट्रांसफर हुआ? पैसा मिल गया आपको? किसको किसको पैसा मिला, हाथ उठाएं। अच्छा, सबको पैसा मिल गया, बहुत बहुत बधाई। पहली बार सरकार ने गोबर खरीदा। आज तक इस दुनिया में कोई सरकार नहीं है जो गोबर खरीदा हो, और ये काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। इसे क्या क्या फायदे हो रहे हैं गांव में? दुर्गम बैठे। क्या क्या फायदे हुआ गाँव में? अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने जानवर है आपके पास? 15 गाय है आपके पास? चार गाय। अच्छा, रोज कितना गोबर निकल जाता है? 35 से 40 किलो। अच्छा, एक महीने कितना हो जाएगा आपके पास पैसा आ जाएगा? एक महीने में हाँ
18,000 रुपये हो जाएगा। चलिए क्या करोगे इस पैसे का, क्या करोगे पैसे का? इस पैसे के क्या करोगे? क्या बोले? खेती बाड़ी करेंगे। बहुत बधाई। चलिए आप सबको बहुत बधाई। खाद बढ़िया बनवाना, गौठान समिति के लोग भी हैं ना वहाँ। चलो इसके बाद शक्ति विकास खंड जांजगीर जिले से, शक्ति विकास खंड जनपद कार्यालय में बैठे हमारे साथी लोग, आवाज आ रही ना? हाँ, जय जोहर। माननीय मुख्यमंत्री जी बात करी तुम्हारे मन से सीधा है माननीय मुख्यमंत्री जी? कौन कहाँ खड़ा तुम्हारा? जनपद में बैठे। ठीक है, तो का नाम है जी? सत्य जी। और बहनी का नाम है? अच्छा, सीमा बहन। कौन कैसे करवा है? अच्छा, ऐसे गांव में प्रधान में कैसे गरबा थे? देख सकते हैं गांव कैसे गरबा है? वो सबको गर्व नहीं आ रहे प्रधान में? अच्छा ठीक है, प्रधान में कैसे गोबर इकट्ठा हो जाते हैं? 25-30 किलो। 40-50 किलो तक गौठान में जिन गोबर है, अगर पैसा रहो तो मेरी दिन चरवा के लिए चरवा है, दूसरी चरवा है, वो पैसा हमारे बकरी है। अच्छा, और कैसे भी तो उधर कैसे गर्व है? 40 का गर्व। अच्छा, वो खातो बना रहे कि बेचे हैं सभी? खेत में पालते हैं। हाँ, अभी क्या करे? अभी योजना में मतलब बेचा सर। अभी कब पैसा मिली? 5,000-40,000। खूब बात हो। 10,000 महीना कब तक पैसा मिली है कभी जी? 10,000 है? 20,000, 21,000 के आसपास। अरे बाप रे, 20,000। बहुत बधाई। क्या बात, क्या बात, अद्भुत काम होगा ये। अच्छा, एक से क्या क्या फायदा है सीमा बहन? हम कहते आवारा पशु है वो रस्ते बखान में, तो बोला वो थोड़ा मन की जिम्मेदारी है, लेकिन सामने चारा वाला व्यवस्था। हाँ, गोदाम में रखूंगा तो फिर तुम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रही और चारा व्यवस्था करो भाई। ठीक है ना, गोदाम समिति के द्वारा सची जिम्मेदारी रही। ठीक है। अच्छा, और कौन किसान है जिन गोबर भेजते कौन गाँव में? चरवाहा कौन है? आपके काम चढ़ा प्रेम लग रहा था कौन गाड़ी था तू? अच्छा, तो कते दिन गर्व चला दे तुझे पाटिया? 150। अच्छा, ते का बुता का सर? अच्छा, कते का सकलाते रोज? 40-50 किलो। अच्छा, ये तुहर मन के हुई और प्रधान समिति में
ये समूह है मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाया शुरू करे हो? अच्छा कई वर्मी वेट है तुम्हारे यहाँ? टाका 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 नहीं टाका क्या टाका खबर है? अच्छा कई जन काम करे हो महिला समूह में? समूह में महिला समूह कते कते जन एक महिला समूह में? अभी तक एक किलो वर्मी कंपोस्ट बना रहे डाल रहे टाका में? अभी नहीं डाला मैं उनको करा था मैंने। अच्छा अभी गोबर डाला कुंडल बहुत करा मगे हाँ कुंडल बहुत है मैं उनको करा था ज्यादा कुंडल हो अभी? हाँ अच्छा ठीक है वो समय से पहले मत करूँ नहीं तो केचुआ जल जाएगी। हाँ सर। अच्छा वो बनी तेकर बाद ना सरकार 8 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी? हाँ सर। है ना वो पैसा ला कोऑपरेटिव बैंक में जमा करो उकर माध्यम से मिली गोबर के पैसा भी कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से वर्मी खाद के भी पैसा मिली तुम्हारे है ना और वही पैसा जब आई ना वापस अभी सरकार दे और पैसा 2 रुपये के हिसाब से और उसके बाद 8 रुपये जब मिली ना तो मैं 2 रुपये कट जाएगी गोबर 6 रुपये फिर तो मतलब वितरित हुई है ना वो बैंक के कमीशन अलग है बैंक वाला मन के बोला काट के तुम्हारे मिल जाए तो मैं कुछ प्रधान समिति जाए और स्व सहायता समूह जाए ठीक है ना। चलो अच्छा करो अगला बहुत बधाई बहुत अच्छा लगी तुम्हार बात अच्छा शुरू करे हो अपन जिला में और सब खाद बना के सब बिक्रय शुरू कर हुआ है। अब एक बात सुकमा जिला इसमें एक बात और सामने आई है सुकमा कितना गाय है 582 सुकमा वाह कवासी तेरा बेटा बैठा है रे राम राम। और सीधा मुख्यमंत्री जी बात करी तुम्हार मन से क्या नाम है आपका? बुधराम। अच्छा बस्तर में भी सबसे ज्यादा सुकमा जिले में गोबर खरीदी हुई है मैं रोज रिकॉर्ड देखता हूँ बहुत बधाई। कितने गोदाम में खरीदी हो रही है अभी? पचासी। अच्छा आप किस गांव आप गोठान समिति का अध्यक्ष हैं? अच्छा आपके यहाँ आपको पैसा मिला क्या? खाता में डाले कितना आया पैसा? कितना? 306 रुपया। अच्छा और कितने और कितने लोग हैं आपके बगल वाले को मिला पैसा? आपका क्या नाम है? जोर से बोलिए। अच्छा तो आप भी गोबर बेचे हैं? कितना गोबर बेचे? 85 किलो। कितना पैसा मिला? 170 रुपये। बधाई पहले गोबर का पैसा नहीं मिलता था है ना? पहली बार मिल रहा है। अच्छा गोबर से पैसा मिलेगा ये कभी सोचे थे? हाँ अब सब लोगों को बोलो गोबर इकट्ठा करे। हाँ हर 15 दिन के 15 दिन पेमेंट होगा। 5 तारीख होगा दूसरा 20 तारीख को महीने को महीने में 2 दिन पेमेंट होगा। अभी 5 तारीख को शुरू हुआ है और उसके बाद 20 तारीख को तो हर महीने के 5 और 20 तारीख को सबके खाते में ये पैसा जाएगा ठीक है? चलिए बहुत बधाई। दादी खड़े कुछ बोल रही दादी कुछ बोलना है दादी।
बढ़ेगा ना गोबर बढ़ेगा सब लोग को बोलना है। कांची पानी में कांची पानी क्या हो रहा है, कहाँ ज्यादा लिए घर में, तीन घर में कहाँ ज्यादा लिए तुम्हारे यहाँ कि कांची पानी में तुम्हारे यहाँ और ज्यादा ले हुआ है, ज्यादा पैसा मिलेगा अब तेंदुपत्ता का पैसा मिलेगा, गोबर का पैसा मिलेगा, अब सब लोग को बोलना है कि ज्यादा काम करना है, ठीक है सोमा सरपंच राम राम जिला पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार ये दो बार का सरपंच है सर बात वाला कपड़ा आवाज आ रही है कहाँ बैठे तुम आदरणीय गौठान में हो हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी बात करनी है सीधा तुम्हार मन से माननीय मुख्यमंत्री जी राम राम कहा नाम है आपका का नाम अच्छा दोनों का हो बैठे हो गौठान समिति का अध्यक्ष कौन अरे आप गांव कते गरुआ है 325 सब गौठान के सब लाते अच्छा स्टेशन चरवाहा है तीन जन चरवा है और अभी तक के कते कन गोबर खरीद दे रहे हो तुम ना तुम गाँव में अभी 1200 क्विंटल 12 क्विंटल 12 क्विंटल अच्छा और गठान में राउत में कत सकेले गोबर नहीं गौठान में जिन गोबर होते घर के सके ला के तेन गोबर हो जो दूसरा गौठान में सकला के तेन गोबर हो है ना 100 किलो हो अच्छा और गोबर के भी क्या करते हैं अच्छा खातू तू बना देते थे अच्छा और ये बता ये योजना से कहाँ का फायदा मिली तुम मतलब अच्छा पहला दूसरा जी तीसरा चरी चरागन सबसे मुख्य बात तो ही है किसान मन के चरी चरागन बात नहीं अच्छा पहले उन्हारी ले रहे थे और गाँव में तेरा अब 12 महीने गठान में गरुआ रही तो हमारे तेरा माची नहीं बाकी तो किसान लोग बहुत फायदा है ना ठीक है अभी सब पैसा मिल गया तुम मतलब अभी यही से के किलो दे सकते हो तो खत्म करते ही से सत्ताईस से चार गरुआ है 50 किलो 100 रुपया आगे चलो बधाई और कौन किसान है जेकर जय जवाहर ते पारी कुर्सी बैठेगा समझिए तो कुर्सी बैठा लो
जय राम राम राम। का नाम है आपके घर? तिलक राम यादव। अच्छा कते कन गरबा है? अच्छा दिन भर में कसरत गोबर सकला जाते एक क्विंटल? और तो खाता में पैसा ही का कतेक पैसा ही थे? 200 रुपया आ गए। चलो बढ़िया। तो ये चरवाही जन मिला थे कैसे अतिरिक्त आमदनी हुई कि नहीं हुई? तो पैसे लगा पता हाँ बहुत बधाई बहुत। के जनाओ चरवाहा तुम्हारे गाँव में? तीन जनाओ। अच्छा 30,000 हो गए तीन जन के 10,000 30,000 हो गए। हाँ खूब अच्छा लगा था ना पहली बार सरकार तुम्हारे मंदिर सोची अच्छा करा है। 12 महीना गरबा सेवा करना है और चारा खवाओ तब तो गोबर मिलेगा। अच्छा अब ना घास खरीदे घास काटे मशीन हूँ जो आपको गाँव मन में मेरे मन में जो घास है ना उसे लुवत बन जाए। अभी सितंबर महीने में घास आई ना तो रुए पर सब्सिडी देखो मशीन तो जल्दी चारा कट ही ला के सुखोना भी है खवाना भी है तो जब के चारा खवाओ तब के गोबर मिली है ना गौ माता का आशीर्वाद मिली। चलो खूब बधाई। अच्छा कुछ बोलना चाहते हैं? बोलना चाहता बताओ यादव जी बोले पहले ये पा बैठा हाँ हमारे बहनी जी क्यों बैठा का नाम हो? का साहू? सुनीता बहन। और तोर बगल में बैठे थे का नाम है बहनी के? निषाद। अच्छा तो मैं क्या काम कर रहा हूँ? अच्छा वाह तो अभी वर्मी कंपोस्ट बनाया शुरू कर रहे हो? तेरा कुंटल? अच्छा पिछले साल शुरू करते रहे कतेक के बेचे हो? तीन क्विंटल बिक गए। अच्छा कतेक पैसे मिले? 10 रुपये मिले 10 रुपये किलो। अच्छा हम तो 8 रुपये करे बढ़ाए लगे पैसे में तो दस रुपये तुम्हें बेचे थे तो हमने 8 रुपये में खरीद को कहा था हम रेट बढ़ा लेंगे थे 9 में उठा लेंगे। हाँ रेट बढ़ाओ फिर बाजू वाले अच्छा रेट तो बढ़ाने लगी वर्मी कंपोस्ट के ना। अच्छा गाड़ी का क्या क्या लगाया? अच्छा करेला है। चीजें पर तो अभी बने रेट मिली फिर करेला आ गए हमारे मंत्रिमंडल हूँ भेजू करेला साहब है ना?
चारा भरे थे बोलो में बाड़ी चारा भरे ना वो भाई गौ माता सेवा करना है ना। और दोनों मन की इनकम बारे में अभी बाड़ी में कते कन बेच रहे थे मैं बेचे शुरू करे नहीं करे 1200 बेचे रहे तो बाड़ी के जन काम कर दो 10 जन और वर्मी वर्मी कंपोस्ट बना दो तुम के जन काम कर दो अच्छा ओम दर्जन 20 जन करा था काम 30 समूह काम कर अच्छा तो वहाँ तुम्हारे गौठान में वो क्या कार्य तुम शुरू करना चाहते हो तुम्हारे गौठान में काम दिलवाए बर कहा थे या तो खादी ग्रामोद्योग से जोड़ेंगे या फिर ग्रामोद्योग से मतलब सब्सिडी भी मिली खादी ग्रामोद्योग से या फिर पंचायत विभाग से है ना अनुदान भी मिली और प्रशिक्षण भी दिलाया जाए और जिला के कलेक्टर है ना से नौकर बेचक व्यवस्था भी करी है ना ठीक है वही चीज के निर्माण करना है जिन बिका है तुम्हें बना दू और नहीं बेचाए तो फिर नुकसान हो ही ना हाँ मतलब पहली ग्राहक तय करना है और खरीद का ऊपर से एग्रीमेंट करके फिर हम अपना बनाए शुरू कर दो तब तो पैसा मिली ठीक बहुत बहुत धन्यवाद बधाई बड़ौदा बाजार में सब जन बहुत बधाई बहुत सुंदर काम करा था मुख्यमंत्री जी ला अच्छा चीज बताया तुमने आए बहुत धन्यवाद कमल ला अब इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा पेंशन का योजना की शुभारंभ और उसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको संबोधित करें आशीर्वाद दें पहले शुभारंभ करें अच्छा
उसको नहीं ले रहा मैं। हाँ बिल्कुल। हाँ आज शुरू आप एक तरफ जहाँ सहित महेश शर्मा तेंदुपत्ता नगर मुदाक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं, वहीं हरेली के दिन वो धन न्याय योजना की शुरुआत की थी, उसके प्रथम भुगतान आज 15 दिन बाद हम लोग करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय रवि चौबे जी, आदरणीय मोहम्मद अहबर जी, आदरणीय सिंह जी, आदरणीय रामप्रसाद राहुल जी, डॉक्टर पीता सिंह जी, आदरणीय रखमा जी, आदरणीय भाई सिंधरिया जी, आदरणीय भाई मजी जी, आदरणीय गुरु कुमार जी, आदरणीय अनिला भेड़िया जी और सूरी साहब अचेंद्र राय जी, हमारे मुख्य सचिव और सभी हमारे अधिकारी हैं, मेरे सलाहकार साथीगण और सभी जो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सभी साथीगण, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज अगर सभी हमारे विशेष महत्वपूर्ण है, जिसे हम बस्तर टाइगर के नाम से जानते थे, आदिवासी को बहुत बड़ा नेता और हमारे मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे और जिन्होंने पूरे जीवन आदिवासियों के हित में और हक में लड़ाई रही, ऐसे महेश शर्मा जिसे जीरा घाटी में शहादत हुई, उन्होंने अपने प्राणों की निछावर दी, हंसते हंसते उन्होंने मौत को गले लगाया, ऐसे महान महेश शर्मा जी के आज जयंती है। और इस अवसर पर एक योजना वन विभाग के द्वारा जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो पहले बीमा योजना थी, भारत सरकार इसे संचालित कर रही थी, विस्तार बंद कर दिया गया, लेकिन हम अपने तेंदुपत्ता संग्राहकों के हितों का पूरा ध्यान रख रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला किया कि जो बीमा भारत सरकार ने बंद किया है उसे सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से, और उसे भी जो महेंद्र शर्मा जो आदिवासी नेता थे और हमेशा गरीबों की चिंता करते थे, ऐसे नेता के नाम से ये योजना की शुरुआत की गई है। पहले अकबर जी ने इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की, लाभ उसी प्रकार से मिलेगा, लेकिन बीमा कंपनी का लाभ मिलते मिलते महीनों लग जाते थे, अभी भी बीमा में 200 करोड़ लंबित हैं, उनका निपटारा नहीं हुआ है, लेकिन हमारे मंत्री जी ने और अधिकारियों ने मिल के जो योजना बनाई है, जो भी प्रभावित लोग हैं, जो भी इससे पीड़ित होगा उसके परिवार जनों को एक महीने के भीतर में उसका लाभ मिल जाएगा, ये बहुत ही बड़ा निर्णय है, जो 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात, जो गोधन न्याय योजना जिसके बारे में अभी हम लोग सब चर्चा कर रहे थे, जसपुर के साथियों से, सुकमा के साथियों से, चंपा जैन से और बड़ौदा बाजार से हमारे जो चरवाहे भाई हैं, प्रधान समिति के अध्यक्ष हैं, हमारे महिला समूह हैं, के बहनों से हम लोगों ने चर्चा की और इस बात की प्रसन्नता है कि यह योजना गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना जिसे एक कार्यक्रम के माध्यम से कितनी ही जैसे कहते हैं ना एक तीर से कई निशान, ये एक योजना से आम के आम और दूसरी के दाम गोबर खरीदने से कितने लाभ हो रहे हैं, जहां गोबर खरीदी होगी लोगों के आय में वृद्धि होगी, वहीं पशुओं को चारा मिलेगा, क्योंकि बिना चारा खाए गोबर दे ही नहीं सकता, इससे सभी जो पशुपालक हैं, गोपालक हैं, वो अपनी मवेशी का ध्यान रखेंगे,
और तीसरा फायदा ये है कि चरवाहे को बहुत कम पारिश्रमिक मिलता था, अब गोबर बिकता है और धान जो गोबर उसके खाते में जाएगा, उसके खाते में पैसा जाने से निश्चित रूप से जो चरवाहे हैं उनके इनकम में वृद्धि होगी। साथ ही सबसे बड़ा जो फायदा है, जो फसल हमारे जो चराई हो जाती थी खुले में मवेशी घूमने के कारण से, रोका छेका नहीं होने के कारण से फसल की सुरक्षा हम नहीं कर पाते थे। दो फसल को छोड़ दीजिए, एक फसल भी हम लोग नहीं ले पाते थे, लेकिन अब इस योजना के माध्यम से सारे मवेशी जब बरसात में रहेंगे, जब आए बारह महीना उसका ध्यान रखेंगे तो हमारे एक फसल तो निश्चित होगी, दूसरे फसल भी सुनिश्चित होगी। ये दोनों फायदा, और साथ ही इसे वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। अभी बड़ौदा बाजार के ब्राह्मणों ने बताया कि हमने पिछले एक साल से हम इसको बना रहे हैं और इसको 10 रुपये किलो के हिसाब से बेचे हैं। अभी तो हमने 8 रुपये तय किया था, लेकिन इसे बहुत जल्दी हम लोग मंत्रिमंडल में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मंत्रिमंडल में किसी को पूरा विचार करेंगे और इसको जो 8 रुपये कीमत रखे हैं और मार्केट रेट हम लोग पता कर लेते हैं उसके हिसाब से इसकी कीमत बढ़ाएंगे। तो इससे होगा ये, जहाँ गोबर खरीदी में 2 रुपये आपको मिलेगा, वही वर्मी कंपोस्ट बनाने के बाद जो समूह है, मेला समूह है या और युवा समूह है, यदि वो काम करते हैं तो उनको ज्यादा राशि मिलेगी। चारा की व्यवस्था हम सबको करना है, इस बात का ध्यान आप लोग करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी हमारे जो मुरल विभाग के मंत्री हैं आदरणीय अमित चौबे जी और उसके पीसी अधिकारी सब लोग मिलते दिन रात मेहनत किए हैं, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में लगातार मॉनिटरिंग की गई और 15 दिन के भीतर में योजना शुरू हुआ भुगतान की व्यवस्था करें। अभी तक के हम लोग धान खरीदी करते थे, धान खरीदी कर 4 महीने होता था और 4 महीने में ही उस व्यवस्था को संचालित करना होता था, लेकिन ये गोधन न्याय योजना है वो 12 महीने चलने वाली योजना है और हर 15 दिन में इसका भुगतान करेंगे, हर 15 दिन में आपके खाते में पैसा पहुंचेगा। इसके लिए भी सॉफ्टवेयर तैयार अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको बधाई दूंगा, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई योजना नहीं है। ये पहली योजना है जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको हाथ में लिया गया और पंचायत मंत्री की बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बरधान निर्माण करने में बहुत मेहनत की, लेकिन पिछले एक साल में लोग बरधान बना रहे थे 2400 आंकड़ा छुप आए थे, लेकिन जहाँ गोबर खरीदी शुरू किए तो 15 दिन में 4000 बरधान संचालित हो गया है। मैं समझता हूँ आज पैसा मिलने के बाद ये अगले 15 दिन 20 अगस्त को जब फिर हम आपसे मिलेंगे ये आंकड़े और बढ़ चुके होंगे। अभी तो 65,000 किसान हितग्राही से रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ये आंकड़े और बढ़ेंगे। 40,000 वो पालक भी गोबर बेचे हैं, ये आंकड़े और बढ़ेंगे। अभी तो 80,000 क्विंटल ही हम लोग खरीदी किए हैं, ये 1 तारीख के स्थिति में है, ये आंकड़े और बढ़ेंगे। हमको व्यवस्था भी करनी है, गोबर की उपयोगिता भी हम लोगों को आगे जो वर्मी कंपोस्ट बनाना है, वर्मी बेड बनाने का टाका बनाने का काम है जिसे बहुत तेजी से करने का आवश्यकता है। इसमें हमारे सरपंच है, सचिव है, पंच है, गौधान समिति के लोग हैं, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और जो वन विभाग के लोग भी दिन रात लगे हुए हैं, जो हमारे जो जंगल के क्षेत्र हैं वहाँ जो जमीन है उसकी उपलब्धता और वहाँ से राय की व्यवस्था करना, ये सब काम वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आधे हमारे जो गाँव हैं वो जंगलों में है, वहाँ की व्यवस्था उनको करनी है। तो सभी विभाग मिलकर इसको काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। विशेष रूप से हमारे मुख्य सचिव और पूरे अधिकारियों को जो पहले तो दरभंगा गरबा घोड़ोवाड़ी नहीं समझते थे, गौधान नहीं समझते थे और उसके बाद चरवाहे समझते थे, क्या उसको नहीं समझते थे और इसमें किस प्रकार से दोषित करना है, सबको समझे और समझते इसको क्रियान्वित किए और सफल करना है। भुगतान हो गया अधिकारियों को, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ सभी अधिकारियों को जिसमें लगे थे, विशेषकर
चौधरी जी को और अकबर जी को, पीएस बाबा साहब को और भाई प्रदीप शर्मा को दिल में बधाई दूंगा कि उनके साथ लगे हुए हैं और अभी अभी हार्वर्ड से लौटी हुई है गीता मैडम और उसको सीधा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अमेरिका से आई और सीधा बरसात में वो भी लगी हुई है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही ये जो योजना है केवल हमको अभी संपोर्ट शक्ति रुकना नहीं है, अभी जिस प्रकार से हमारे गौरव बजार की बहने और जिस प्रकार से हमारे चापा जाने के बहनों ने बताया कि इसमें हम लोग और भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे कारखाने हैं, बस दरौदा है और दूसरे हर जिले में कम से कम एक कारखाने रहते हैं जहाँ वर्मी कंपोस्ट के अलावा गौमूत्र से फिनाइल बनाने का काम, दवाई बनाने के काम और उसके अलावा धनकुट्टी मशीन भी लगाए हैं, तेल करने की मशीन लगा दी है, साबुन बनाने का काम है, अगरबत्ती बनाने का काम है, सिलाई काम है, ये सारी योजना उस मिले हुए हैं। तो मान लो 5 एकड़ में आपने गौधान की जमीन लगा, 1 एकड़ जमीन निश्चित रूप से उसे हम लोगों को रोजगार भाव के रूप में उसको विकसित करना है ताकि गाँव भर के नौजवान हैं, महिलाएं वहाँ प्रशिक्षण लेके रोजगार के जो अवसर हैं उसमें संलग्न होंगे तो गाँव ही रोजगार होगा और खासकर जो जंगल के एरिया है वहाँ हमारे पास लघु उपज पहुँच है। 31 प्रकार के लघु उपज हम लोग खरीद रहे हैं और उससे हम लोग सीधा व्यापारियों को बेच देते हैं, सरकार भी खरीदती है उसे इंतजाम कर देती है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। हमारे यहाँ इंडी बनता है, इंडी हमारे निकलता है लेकिन हम लोग उसे इंडी से हम लोग उसे इंडी खराब से बनाते हैं, उसके और दूसरे प्रकार की चीजें बनती है बन सकती है उसको हम लोग नहीं बनाते। अब वो काम हम लोग करना शुरू किए, बांस हमारे यहाँ निकलता है लेकिन बांस से जुड़ी चीजें हम लोग नहीं बनाते। अब ये गौधान समिति गौधान में जो जगह है वहीं इस प्रकार की गतिविधियाँ हम लोग संचालित करेंगे ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके और जो उत्पाद है उसका वैल्यू देना हो सके, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। दोनों मामले में बहन कर्मा के नाम से आज कंधार समाजी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई, इसके लिए बधाई देता हूँ। और न्याय योजना गोधन न्याय योजना के तहत पहली बार भुगतान सबको हुआ है, इससे भी मैं बधाई देता हूँ। काफी सुधार की गुंजाइश है, निरंतर हम लोग प्रयासरत हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये सभी गांव में खुले, सभी पंचायतों में खुले और इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, बड़े किसान तो गोबर को अपने कंपोस्ट बना लेते हैं लेकिन ऐसे भी लोग गौ पालक हैं, मवेशी जिसके पास है जिसके पास कोई जमीन नहीं है उसके लिए बहुत राहत का काम है, उन चरवाहों के बहुत राहत का काम है। और जो आंकड़े बताए हैं उसमें 38% महिलाओं ने भागीदारी की है, पहली इसमें 38% महिलाएं थोड़े दिनों बाद देखेंगे 50% से भी अधिक हो जाएंगी, महिलाओं की बड़ी योजना है। उसी प्रकार से जो आंकड़े बता रहे हैं 48% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 38% अनुसूचित जाति के लोग हैं और 8% हमारे जनजाति के लोग हैं। हमारे जनजाति के लोगों को जुड़ने का और जरूरत है, वहाँ प्रचार प्रसार करने का आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि खेती किसानी में बहुत सारे साथी लगे हुए थे, इस कारण से इसमें कम लोग जुड़ पाए हैं लेकिन अब खेती किसानी का काम जैसे जैसे समाप्त होगा वैसे वैसे बढ़ाने की योजना है तो बढ़ती जाएगी और ये आंकड़े बड़े होंगे। पूरे देश और दुनिया की राह इस गोधन न्याय योजना पर है, इसे हम सबको मिलकर सफल बनाना है। हम सबके जीवन में खुशहाली लाने की योजना है, गांव में खुशहाली लाने की योजना है। और जो बात महात्मा गांधी ने कही थी ग्राम स्वराज्य की बात, और हम लोगों ने कहा सुराजी गांव, और राहुल जी ने कहा था सबको न्याय मिले, तो न्याय दिलाने की जहां किसानों को हम न्याय दिला रहे हैं वहीं ये गोधन न्याय योजना के माध्यम से गरीब लोगों को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति के पिछड़े वर्ग के लोगों को, जनजाति के लोगों के साथ ये न्याय योजना कारगर सिद्ध होगी, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ सभी मंत्रियों को, संसदीय सचिव को, विधायकों को, अधिकारियों को
और जितने गौठान समिति से जुड़े हुए हमारे सब साथी हैं, सरपंच हैं, सचिव हैं, हमारे स्व सहायता समूह के बहने हैं, हमारे चरवाहे हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ। खूब बधाई, खूब शुभकामना, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इसको धन्यवाद करके समाप्त कर देंगे, जुड़ जाएंगे। अब आभार और धन्यवाद के लिए मैं सिंह साहब को आमंत्रित करता हूँ। जब से गोधन न्याय योजना की परिकल्पना की गई और जब से ये योजना लॉन्च की गई, तो तब से ही पूरे देश और दुनिया की नज़र छत्तीसगढ़ पर टिकी थी कि आखिर इस योजना को ये संचालित कैसे करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन में जिस प्रकार से ये इस योजना का संचालन किया गया और आज इसका प्रथम भुगतान किया गया, तो हम ये मान सकते हैं कि ये योजना सफलतापूर्वक संचालित की जा चुकी है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, माननीय कृषि मंत्री महोदय का, माननीय वन मंत्री जी का, माननीय पंचायत मंत्री जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। और ये जो गोधन न्याय योजना है, इसके तात्कालिक लाभ जो तत्काल होंगे उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, उसके अतिरिक्त इसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम भी होंगे। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ छत्तीसगढ़ को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावी कदम सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसके अतिरिक्त आज के दिन शहीद महेंद्र कर्मा जी की स्मृति में आज उनकी जयंती है, इसमें उनको श्रद्धांजलि देते हुए तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना भी लॉन्च की गई है। जैसा कि आप सबको विदित है कि बीच में एकाएक केंद्र द्वारा संचालित योजना बंद हो जाने के कारण हम लोग असमंजस की स्थिति में थे, फील्ड में भी चिंता का माहौल था, लेकिन ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और माननीय वन मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सभी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और इसके बाद ये योजना लॉन्च की गई, जो कि न सिर्फ पहले से संचालित योजना के बराबर राशि दी जाएगी, बल्कि ये खुद शासन की योजना होने के कारण इसमें पहले क्लेम लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी, इसमें क्लेम भी सभी को बहुत आसानी से मिलेगा, समय पर मिल जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इस काम के लिए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय वन मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। और आज के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय तामोदर साहू जी, आदरणीय शिव डेहरिया जी, आदरणीय मजीद भगत जी, आदरणीय रुद्र गुरु जी, आदरणीय लीला भरिया मैडम, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, आदरणीय लखमा जी, सभी आदरणीय संसदीय सचिवगण, सलाहकारगण, और इस योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वप्न और निर्देशानुसार एक्चुअली करा लेना, जो कि बहुत, वैसे तो मुख्य सचिव महोदय का किसी भी ऐसे कठिन काम को छोटे से समय में कर डालना, ये उनका नैक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उनकी महारत है। तो वो उसी तरीके से धक्का मार के, जैसे अगर मैं एक साधारण सा अधिकारी हूँ लेकिन मुझसे भी धक्का मार के अगर कोई काम कराना है तो वो मंडल स्थान के नेतृत्व में संभव है। तो मुख्य सचिव महोदय ने जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश था, शासन का निर्देश था, उसके अनुसार इस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर लिया। अमिताभ जैन साहब, ACS सुब्रत साहू साहब, गीता प्रसन्ना, सिद्धार्थ तारण, सभी लोगों की टीम ने मिलकर दिन रात काम किया। अभी सर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस बीच और कुछ दूसरे मैसेज डालने के लिए जो हम लोग के ग्रुप में हम लोग जो आदान प्रदान करते हैं, मैं मौका चाह रहा था कि कब ये दूसरा ये भी जरूरी मैसेज ये डालूँ, लेकिन ऐसा नॉन स्टॉप इन्होंने गोधन न्याय योजना के लिए डाला कि सुबह से लेकर रात तक उसमें बीच में कुछ डालने का मौका ही नहीं मिला। तो ये सर, ये वास्तव में आपका नेतृत्व और सबका समर्पण था कि इतने मेहनत से सभी लोगों ने इसमें काम किया, आप सभी लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब राम वनगमन पथ का आप प्रेजेंटेशन थोड़ा सा,
मोदी जी कहते हो मेरे थोड़ी थी पहले जो जैसे बताया गया था सर पूरे राज्य में सर जो नौ जगह पहले चरण में चयन किया गया है जिसको हम डेवलप करने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं सर। जैसे सर इसमें नौ जगह का हम जानते हैं सर सोनिया जिले का सीतामढ़ी भट्टों का है सर सरगुजा के रामगढ़ है सर जांजगीर चांपा के डिहरी जा रहे हैं सर और बलौदा बाजार के जोधपुरी है सर जोधपुरी रायपुर का है सर और दरियावन का राजीव है सर धनसरी का सिहावत और जगदलपुर है सुकमा जिले का रामगढ़ है सर। इसमें सर पहला तो फोटोग्राफ था आपको अभी क्या स्थिति है और कैसे इसको हम जो परिकल्पना जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर बनाया गया उसके वजह से आपको दिखाना चाहता हूँ सर। ये एग्जैक्ट लोकेशन है सर ये एग्जैक्ट लोकेशन है सर चंदपुरी के सर जहाँ माता कौशल्या मंदिर है सर उसके लिए तालाब के साथ आज तीन चार तालाब उससे जुड़ा हुआ है सर। नहीं इसका सर वर्तमान स्थिति इस तरह का है सर सामने का परिस्थिति है सर जो जो मंदिर है वो आइलैंड है सर उसको कनेक्ट करने के लिए जो अभी जो पाथवे बनाए हुए हैं वो इस तरह का है और ये सामने का प्रदेश है सर उसको अंदर जाने के बाद जो लिया हुआ फोटोग्राफ राइट साइड में तो ये तालाब का एक तरफ का स्थिति है सर और ये सामने का जो जहाँ मैदान जैसे दिखा है सर इसको भी हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर लिए हैं सर इसको भी इसको सर जैसे हम आपको ट्रांसपोर्ट प्लान में लिए हैं सर धीरे धीरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गया सर इसलिए टेंडर सारे प्रक्रिया हो चुका है सर एजेंसी तय हो गया है अभी अनदर 15 डेज के अंदर सर जिसमें सर उसको काम वहाँ फिजिकली साइट से शुरू हो जाएगा। इसको दो फेज में ले रहे हैं सर दो फेज अलग अलग करके अभी नहीं दिखेगा सर इसमें सर जो फैसिलिटीज आएंगे जो अभी जो आइलैंड है सर बहुत छोटा है थोड़ा उसको मजबूत करेंगे उसमें एक कलिपत जैसे हो जाएगा सर उसके साथ जो मंदिर 7th century का मंदिर है सर वो उसका वर्तमान स्थिति में रहेगा सर उसके साथ जो बाकी डेवलपमेंट है और वो पूरा एरिया का चारों तरफ से उसको डेवलप करने का प्लान किया है सर। दो फेज में जो काम होगा सर इसमें फेज वन का कुछ काम सामने का प्लस मंदिर एरिया का होगा सर और सामने का जो अंदर जाने के बाद जो एरिया है सर उसमें थोड़ा सा फेज वन का काम होगा बाकी पूरा फेज टू में आ जाएगा। जो फेज वन फेज टू इसमें जो मैं बता रहा हूँ सर दोनों मिला करके अगले मई से पहले खत्म हो जाएगा। इसका जो एंट्रेंस जो गेट बनेगा सर वो इस तरह का परिकल्पना की गई है सर इसका पूरा तैयारी चल रहा है। ये नजदीक से देखेंगे तो इस तरह का इसमें एक व्यू आएगा सर जो मंदिर था इसलिए जो अभी जो ब्रिज बना है सर उसको थोड़ा चेंज करके वो नए जो जिससे बनाएंगे तो इस तरह का उसका एक अप्रूव देंगे। जो फेज में बता रहा हूँ सर उसमें फर्स्ट फेज में सर 6.7 crore का होगा सर उसमें जो काम लिए जाएंगे और सेकेंड फेज में सर करीब 9 crore का लिए जाएगा सर दोनों मिलाकर अराउंड 16 crore रुपया के इसमें खर्च होने का है सर। इसमें पूरा DPR एलईडी सब कुछ तैयार हो गया सर। ये शिवनारायण है शिवनारायण में ये वर्तमान परिदृश्य है सर जहाँ पर घाट डेवलप होना है सर लगता है महानदी है सर जस्ट उसके सामने का जो परिदृश्य है ये अभी जो वर्तमान स्थिति है सर जो ब्रिज जो कनेक्ट करता है सर बड़ोदा जिला और जांजगीर जिले का